मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। विक्की कौशल या कार्तिक आर्यन में किसे किस करना पसंद करेंगी जानवी कपूर? जानवी कपूर और खुशी कपूर पहली बार किसी चैट शो में साथ नजर आने वाली हैं। दोनों ने नेहा धूपिया के चैट शो बीएफएफ्स विद वोक में शिरकत की। यहां रैपिड फायर राउंड में जानवी कपूर से एक मजेदार सवाल पूछा गया। से टॉर स्ट्रिपिट सेगमेंट में नेहा धूपिया ने जानवी कपूर से पूछा कि वो विक्की कौशल और कार्तिक आर्यन में से किसे किस करना पसंद करेंगी। जवाब में देर किए बिना जानवी कपूर ने विक्की कौशल का नाम लिया। मालूम हो कि विक्की कौशल और जानवी कपूर फिल्म तक में साथ काम कर रहे हैं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। फैंस इस एपिसोड के ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानवी कपूर ने शो में मजाकिया अंदाज में ये भी बताया कि वो पति से कौन सा टैटू बनवाने को कहेंगी। एक्ट्रेस ने कहा, मैं भविष्य में पति से प्रॉपर्टी ऑफ जेके नाम का टैटू बनवाने को कहूंगी। पीएम मोदी को आज भी कौन से गाने अच्छे लगते हैं? देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बॉलीवुड स्टार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया हो। इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी और अक्षय कुमार के बीच काफी सारी बातें हुई। इस दौरान जब अक्षय ने पीएम मोदी से पूछा कि आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हैं अकेले में, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि गाना गुनगुनाना तो नहीं होता, लेकिन मेरे मन में जो गीत हैं, ज्योति कलश छलके या ओ पवन वेग से उड़ने वाले, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, वो बहुत अच्छे लगते थे। आज के गाने तो मुझे पता ही नहीं। बता दें, ज्योति कलश छलके गाना फिल्म भाभी की चूड़ियां और ओ पवन वेग से उड़ने वाले गाना जय चित्तौड़ फिल्म के हैं। ये दोनों ही गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं। इस दौरान जब अक्षय ने पीएम मोदी से पूछा कि आप केवल 3.5 घंटे ही सोते हैं, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यही सवाल मुझसे राष्ट्रपति ओबामा ने भी पूछा था। जब ओबामा मुझसे मिले तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, आपको नींद पूरी लेनी चाहिए, लेकिन मेरे जानने वाले सारे डॉक्टर कहते हैं कि मैं नींद बढ़ाऊं, लेकिन ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। रिटायरमेंट के बाद नींद बढ़ाने पर मैं ध्यान दूंगा। जब अक्षय ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप फिल्म देखते हैं, कौन सी फिल्म आखिरी देखी, तो पीएम मोदी ने कहा, जब सीएम था तब अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म पा देखी थी, इसी दौरान अनुपम जी के साथ अवेयरनेस डे देखी थी, लेकिन पीएम बनने के बाद कोई फिल्म नहीं देखी। मलाइका अर्जुन की शादी में देरी होने की वजह आई सामने। पिछले काफी वक्त से बॉलीवुड के ट्रेंडिंग कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के शादी करने की चर्चा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कपल 19 अप्रैल को शादी करेगा, लेकिन ये खबर महज अफवाह साबित हुई है। अब दोनों की शादी में हो रही देरी की वजह सामने आई है। खबरों के अनुसार अर्जुन मलाइका शादी जरूर करेंगे, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। शादी में देरी की अहम वजह अर्जुन कपूर का शूटिंग में बिजी होना है। इन दिनों अर्जुन कपूर फिल्म पानीपत की शूटिंग में बिजी हैं। अर्जुन पहले अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, बाद में वो अपनी शादी पर फोकस करेंगे। 24 मई को अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड रिलीज होगी। इसके बाद अर्जुन कपूर अपनी शादी पर ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि कपल गोवा में शादी करने का प्लान कर रहा है। संभवतः अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से होगी। मलाइका अरोड़ा क्रिश्चियन धर्म मानती हैं। मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान के साथ भी चर्च वेडिंग की थी। फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स के बीच कपल की शादी हॉट टॉपिक बनी हुई है। दरबार के सेट से रजनीकांत नयनतारा की तस्वीरें हुई वायरल। सुपरस्टार रजनीकांत मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म दरबार की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस नयनतारा ने फिल्म की टीम को ज्वाइन किया। फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में रजनीकांत काफी यंग लग रहे हैं, वहीं नयनतारा साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। दरबार रजनीकांत की 167वीं फिल्म है। फिल्म में रजनीकांत एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन AR मुरुगदास कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शन के अंडर में किया जा रहा है। अर्जुन कपूर बोले, 33 साल का हूँ, शादी की जल्दबाजी नहीं। जब से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का अफेयर चर्चा में आया है, तभी से उनकी शादी की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो बॉलीवुड की इस मच अवेटेड शादी का इंतजार कपल से ज्यादा उनके फैंस को है। मलाइका अरोड़ा संग जून में शादी के सवाल पर अर्जुन कपूर ने कहा, नहीं, मैं 33 साल का हूँ, मैं शादी को लेकर जल्दबाजी में नहीं हूँ। मेरी शादी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैं बात करना पसंद करूं। अर्जुन कपूर ने कहा, सच कहूं तो अगर मैं शादी करने की सोच रहा होता तो लोगों को इस बारे में पता चल जाता। आज एक समय बाद कुछ भी नहीं छिपता है। वैसे भी मेरी शादी की खबरों से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बारे में जवाब देना मैं पसंद नहीं करूंगा। सारे गामा पर लिटिल चैंप्स में शामिल हुई नेहा भसीन और गुरु रंधावा। जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में इस हफ्ते नेहा भसीन और गुरु रंधावा शामिल हुए।
जहां दोनों शो के बच्चों के साथ खूब मस्ती करते नजर आए। साथ ही उन्होंने अपने अपने हिट नंबर्स पर भी परफॉर्म किया। यही नहीं, शो के जज ऋचा शर्मा, अरमान मलिक और शान के साथ सेट पर अच्छा समय बिताया। लिटिल चैंप्स में गुरु रंधावा ने किया जमकर डांस। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स प्रतियोगी अपनी शक्तिशाली आवाज और शानदार प्रदर्शन के साथ राष्ट्र को अपनी धुनों पर नचाते हुए दर्शकों और जजों का दिल जीतते रहे हैं। आने वाले एपिसोड में पंजाबी पॉप आइकन गुरु रंधावा अपने नए एकल स्लोली स्लोली को बढ़ावा देने के लिए शो की ग्रेडिंग करेंगे। गुरु गायन की प्रतिभाओं से बेहद प्रभावित थे। मेजबान रवि दुबे ने उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया। रवि ने शो में गुरु के कुछ पंजाबी फैंस को आमंत्रित किया और उनसे उनके साथ डांस करने के लिए कहा। गुरु खुशी से मंच पर चढ़ गए। सभी ने मिलकर लाहौर, बन जा तू मेरी रानी और हाई रेटेड गबरू में अपने सुपरहिट ट्रैक पर डांस किया। ट्विंकल की ट्विटर पोस्ट देखते रहते हैं पीएम मोदी। अक्षय ने अपने इंटरव्यू में मोदी से सोशल मीडिया को लेकर सवाल पूछा। अक्षय ने पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया जैसी चीजों को देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं जरूर देखता हूं, उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूं और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूं, और कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो मेरे ऊपर जो गुस्सा निकालती हैं ट्विटर पे, उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में तो शांति रहती होगी। हल्के फुल्के अंदाज में मोदी ने कहा, उसका पूरा गुस्सा तो मेरे पे निकल जाता होगा, इसलिए आपको बड़ा आराम रहता होगा, सुकून मिलता होगा आपको। नरेंद्र मोदी ने कहा, तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना चीनू भाई, उनसे मैं मिला था बहुत पहले, और कारण क्या था ये बड़ा रोचक है। मोदी ने बताया कि गुजरात में अकाल पड़ा था, इसी से जुड़े सामाजिक कार्य के सिलसिले में उनकी चीनू भाई से मुलाकात हुई थी। चीनू भाई को मुंबई के एक मिठाई व्यापारी सुरेंद्र नगर लेकर आए थे। उस समय ट्विंकल के नाना जी से मेरी मुलाकात हुई थी, काफी बातें हुई थी। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।